दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ लखमीत सिंह, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. देखिए क्या बोला जा रहा है. शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ विल यू कनेक्ट थ्री रजिस्टर्स ईच ऑफ सिक्स ओम. ओके, तो आपको थ्री रजिस्टर्स गिवन हैं, कितने ओम के? सिक्स ओम के. वन, टू एंड थ्री. या आपको थ्री सिक्स ओम के रजिस्टर्स गिवन है. सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज नाइन ओम. तो ध्यान देना है, आपको बताना है कि आप इन तीनों रजिस्टेंस को किस तरीके से कंबाइन करेंगे. थोड़ा सा बात समझिए. देखिए हमारे पास तीन रजिस्टेंसेस हैं, सिक्स ओम के, सिक्स ओम के, सिक्स ओम के. ठीक है, तो रजिस्टर ऐसे आते हैं, आपने देखे होंगे ये मार्केट में ऐसे आते हैं, अलग अलग कलर कोडिंग होती है इस पे, ऐसे कुछ दिखते हैं देखने में. ओके, तो ये आपके पास सिक्स ओम के थ्री अवेलेबल है और आपको जरूरत कितनी किसी सर्किट में? नाइन ओम की, 4 ओम की. तो देखो भाई, 9 ओम तो कैसे मिल सकता है कि 6 ओम में 1 ओम प्लस 1 ओम प्लस 1 ओम सीरीज में ऐड कर दीजिए, लेकिन 1 ओम का तो अवेलेबल ही नहीं. 6 ओम के रेजिस्टेंस में अगर आप सीरीज में 1 ओम 1 ओम 1 ओम के 3 रेजिस्टर लगा दो. ठीक है, ये देखिए मैं ये बोल रहा हूं आपसे, 6 ओम के रेजिस्टेंस में आप सीरीज में 1 ओम 1 ओम 1 ओम लगा दो तो 9 ओम आ जाएगा. ओके, बट आपको 1 ओम दिया था या नहीं दिया, तो अब आप सोचेंगे कि किस तरीके से हम इसको करेंगे. तो देखिए, पहला तरीका तो मैंने ये सोचा कि एक तो मैं 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया मैंने यहां से. ओके, ले लिया. अब ये 3 ओम का रेजिस्टेंस मेरे को 1 ओम 1 ओम 1 ओम को सीरीज में लगाने से मिलता है, बट 1 ओम अवेलेबल नहीं. तो मैं क्या सोचूंगा, मैं ये सोचूंगा कि मैं यहां 3 ओम कैसे बनाऊं. और आपको पता है 3 कैसे मिलता है, तो आंसर है 3 मिलता है 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 को 2 से डिवाइड कर दो तो 3 मिलता है. तो अब आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे ये 6 को आखिर 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं. तो देखिए, R इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, R बाय N, मतलब कि ये दोनों बचे हुए जो रेजिस्टेंस हैं, अगर इसको मैं कैसे लगा दूं, पैरेलल में, यस, तो ये वाला ऐसे ही रहेगा. ओके, और ये देखिए, ये 6 ओम, ये 6 ओम, इन दोनों को मैंने कैसे लगा दिया है, पैरेलल में. ओके, तो देखिए अब तीनों रेजिस्टेंस जो 6 ओम 6 ओम 6 ओम के दिए थे मैंने यूज भी कर लिए और 9 ओम बन भी जाएगा. कैसे बन जाएगा, ये 6 ओम तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो R इफेक्टिव ऑफ 6 ओम एंड 6 ओम व्हिच आर इन पैरेलल, व्हिच आर इन पैरेलल. ओके, पैरेलल में है, सेम है, तो R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 1 प्लस 1 2, दो रेजिस्टेंस है तो 2, तो कितना आ गया 3. इसका मतलब ये है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3. ओके, और ये देखिए इन दोनों को हटा दिया मैंने, यहां लगा दिया 3 ओम. नाउ 6 ओम और 3 ओम कैसे सीरीज में. ओके, तो 9 ओम का बनाने के लिए आप आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे कि 6 ओम रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेक 9 ओम रेजिस्टेंस वी विल कनेक्ट 6 ओम रेजिस्टेंस विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस एंड 6 ओम रेजिस्टेंस. ओके, इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे. ओके, नाउ द पार्ट 2 में आपसे क्या बोला जा रहा है, पार्ट 2 में आपसे बोला जा रहा है आपको 4 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है. ओके, फिर से ध्यान दें. अब मैंने आपसे पूछा 4 ओम कैसे मिलेगा, ठीक, तो आप देखिए कितने तरीकों से बता सकते हो 4 ओम को.
आप बोलोगे कि भाई 4 ओम मिलेगा हमको, 4 ओम को आप ब्रेक करो, नंबर को सिंपल ब्रेक करो, तो आप बोलोगे कि भाई 1 ओम प्लस 3 ओम कर दो, ओके, तो ठीक है। और आपने बोला 4 ओम को आप 2 ओम प्लस 2 ओम लिख सकते हो, ठीक है। और ध्यान रखना है, मैं ये वाला भी कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, लेकिन देखिए थोड़ा सा कैसे 1 ओम कैसे आएगा, तो आंसर है 1 ओम तब आएगा जब R इफेक्टिव कितना हो जाएगा, R बाय N के फॉर्मूले से R कितना रखेंगे 6 और N भी कितना रखेंगे 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और मतलब सर्किट भी बनाता मैं चलता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 ओम के 6 रेजिस्टेंस आप कैसे लगाएंगे पहले पैरेलल में, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1 ओम। अब 3 ओम कैसे मिलेगा, तो फिर से आर इफेक्टिव 3 कब मिलता है, जब 6 को 2 से डिवाइड कर दो, मतलब कि 6 ओम के 2 रेजिस्टेंसेस, ये देखिए 6 ओम के 6 ओम 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस फिर से आप पैरेलल में लगाएंगे ना, तो आपको कितना मिल जाएगा 3, और ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 1 ओम, ये और ये कैसे हैं सीरीज में, तो आंसर आ जाएगा 4 ओम। बट प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है कि इन्होंने हमको जो दिया है वो देखिए रेजिस्टर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे आप उसको मटेरियल का एक बना होता है, ठीक है, आप ऐसे टच कर सकते हो, तो हाथ में तो 3 ही है ना, 1 2 3, ये 3 ही तो है, और आप यूज कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ यूज कर रहे हो, 7 8 8 तो नहीं दिए उन्होंने, तो 3 दिए, ओके, तो ये वाला फेल हो जाएगा आपका, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा, ओके। ये वाला कैसे चलेगा, कि आपको कितने गिवन है टोटल, 1 2 3, ओके। इसमें कोई बाउंडेशन तो नहीं बोली गई है क्वेश्चन में, ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 43, हाँ 43, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, तो दिस मेथड इज ऑल्सो करेक्ट, हाँ करेक्ट है भाई, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन नहीं इन्होंने दी कि आपको 3 ही दिया है, बस अवेलेबल जो है आपके पास वो 6 ओम रजिस्टर है, आप कितने भी यूज कर सकते हो, तो एक तो ये पॉसिबल है, और दूसरा देखिए कौन सा पॉसिबल है, दूसरा 2+2 वाला कैसे करोगे आप, 2+2 वाला तो बहुत सिंपल है, एक 2 ओम का लगाना है हमको इधर, और एक 2 ओम का इधर लगाना है, सीरीज में दोनों होने चाहिए। अब 2 ओम कैसे बनाओगे 6 ओम से, तो आंसर है 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 2, मतलब R इफेक्टिव क्या लगाना चाहिए हमें, R बाय N से R का वैल्यू कितना लेना है, सारे फेम है 6 लेना है, और N कितना लेना है आपको 3, मतलब कि यहाँ पे कितने 6 ओम के लगेंगे 3, तो 1 2 3, ओके, इसी तरीके से यहाँ पे भी 3 लगेंगे, 1 2 3, ओके, तो ये देखिए ये 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 2 ओम, कैसे 1 2 3, 3 लगे कितने ओम के 6 ओम के, तो क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 3 व्हिच इज इक्वल्स टू 2, तो ये 2 ओम है और ये भी क्या है 2 ओम, तो 2 ओम प्लस 2 ओम सीरीज में कैसा होगा 4 ओम, तो ठीक है दोनों आंसर ठीक है, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 ओम, फिर से ध्यान दें, टू रेजिस्टेंसेस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम, ठीक है, मतलब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं और उनका रिजल्टेंट कितना आता है 2 ओम, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है,
उन्होंने कहीं पे क्वेश्चन में नहीं बोला है कि दोनों रेजिस्टेंस सेम होंगे, नो। ऐसा नहीं कि 2 ओम आंसर आ रहा है तो आपने सोचा कि 6 ओम और 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया गया होगा, सॉरी 6 ओम 6 ओम 6 ओम को पैरेलल में लगा दिया गया होगा, या टू रेजिस्टेंसेस है ना। हाँ, तो 4 ओम और 4 ओम को अगर पैरेलल में आप लगा दोगे तो रिजल्टेंट 2 ओम आएगा, बट द रेजिस्टेंसेस आर नॉट सेम, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ओके, ये लेट अस से दैट द रेजिस्टेंसेस आर R1 एंड R2, ये दोनों ऐसा पैरेलल में कनेक्ट किया गया और इनका रिजल्टेंट कितना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, पहले हम फार्मूला बना लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन, और इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 2 ओम, तो R इक्विवेलेंट की जगह कितना रख दोगे, 2 ओम, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, आगे क्वेश्चन सुनिए, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज द वैल्यू बिकम्स 9 ओम, मतलब तो ये किसमें कनेक्ट किया है हमने, पैरेलल में, और व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन R1 एंड R2 आर इन सीरीज, जब इसको सीरीज में करते हैं तो R इक्विवेलेंट इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहां सर्किट भी बना लीजिए, सीरीज में कैसे बनेगा, ये R1 हो गया और ये R2, ओके, ये V हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब सीरीज में ऐड किया जाता है तो R इक्विवेलेंट कितना आता है, 9 ओम, तो यहां हमने रख दिया 9, ओके, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, 9 ओम, तो देखिए ये आपका बन गया, कितने वेरिएबल दिखाई पड़े आपको, 2, R1 एंड R2, ओके, R1 एंड R2, और इक्वेशन भी कितनी है, 2, तो याद रखिए जितने वेरिएबल्स आपको फाइंड, जितने वेरिएबल क्या, जितने अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड करने होते हैं, कम से कम आपके पास उतना ही इक्वेशन होना चाहिए, ये बात याद रखें। तो अभी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे क्लास 10th में या 9th में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके, तो 2 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशन है, हम आराम से फाइंड कर सकते हैं R1 R2 का वैल्यू, और क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस, तो सिंपल है, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से आप R1 की वैल्यू फाइंड कर लो, ये R2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस, ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस R2, R1 का वैल्यू हो गया 9 माइनस R2, अब ये R1 का वैल्यू ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 की जगह कितना रखोगे, 9 माइनस R2 प्लस 1 अपॉन R2 की जगह R2, ध्यान से सुने, आपको पता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लिखा हो 2x plus 1 is equals to 2, तो आप x का वैल्यू आराम से फाइंड कर लेते हो, 2x is equals to 1 उधर चला जाएगा, तो 2 minus 1 is 1, x का वैल्यू हाफ, मतलब एक इक्वेशन से, एक लीनियर इक्वेशन से एक अननोन क्वांटिटी आराम से फाइंड की जा सकती है ना, तो वही मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यहां कितने क्वांटिटी अननोन, 1 2, R1 is the first quantity unknown and R2 is the second unknown quantity, तो मैं सोच रहा हूँ या तो यहाँ R1 बना लूँ या तो यहाँ R2 बना लूँ, तो R1 का वैल्यू मैंने किसके टर्म्स में निकाल लिया, R2 के टर्म में, और ले जाके यहाँ पुट कर दिया, ओके, बस सब सिंपल है, सॉल्व कर दीजिए, 1 upon 2, ओके, नाउ LCM लो गया तो सिंपल ऐसा ब्रैकेट लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, R2 इन द ब्रैकेट 9 माइनस R2, ध्यान दें ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो क्या हो जाएगा R2 प्लस 9 माइनस R2, ठीक है, फिर ये प्लस लगा हुआ है तो ब्रैकेट हटाओगे तो कोई साइन चेंज होगा नहीं, माइनस R2, R2 कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो आपके पास क्या बच जाएगा, देखते हैं, 1/2 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, R2 इंटू 9, 9R2, ओके, 9R2, ओके, और प्लस माइनस
माइनस और आर टू इंटू आर टू, आर टू का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर। ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, यहाँ ब्रैकेट लगाइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये पूरा ब्रैकेट वन से मल्टीप्लाई होगा, तो इतना ही आएगा, नाइन आर टू माइनस आर टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और टू को ध्यान रखिए जैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तुरंत इक्वल टू लगा दो और टू को नाइन से कर दो, टू नाइन सा 18। ओके नाउ अब इस सबको उधर भेज दो राइट हैंड साइड, तो ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा जीरो, तो उधर जाएगा, तो देखिए आर टू का स्क्वायर ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, माइनस प्लस नाइन आर टू था तो माइनस नाइन आर टू और प्लस 18। ओके नाउ जीरो इज इक्वल्स टू इतना आ रहा है, या फिर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, तो आप क्या बोलोगे, मतलब ये अगर इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी हो सकता है, तो आर टू का स्क्वायर माइनस नाइन आर टू प्लस 18 इज इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया। ओके अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान से, अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके आर टू आपने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हुए, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ना, है ना, बस x की जगह क्या है r2 है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं इसको, ये 18 को यहां से मल्टीप्लाई किया आगे वाले टर्म से r2 का स्क्वायर, तो 18 इंटू r2 का स्क्वायर इज 18 r2 का स्क्वायर। ओके अब क्या करते थे, ये माइनस नाइन आर टू को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर तो कितना आना चाहिए माइनस नाइन आर टू, बट मल्टीप्लीकेशन पर कितना आना चाहिए 18, तो 18 को आप दो पार्ट्स में आराम से ब्रेक कर सकते हैं, देखिए 6R2 और 3R2, यहां भी माइनस लगाओ यहां भी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कैसा साइन लाना है, माइनस 9R2 लाना है ना, तो माइनस 6R2 और माइनस 9R2 ऐड करोगे तो माइनस 9R2 आएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर, ओके तो माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो प्लस का 18R2 का स्क्वायर आएगा। ओके R2 square minus 9R2 can be written as 6R2 minus 3R2 plus 18 is equals to 0. Okay? Now, अब देख सकते हो आप ये दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है R2, तो यहां बच जाएगा बिकॉज R2 का स्क्वायर है ना, ये देखिए R2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है R2 into R2, तो एक आर टू बाहर चला गया, एक आर टू बचा हुआ है। ओके नाउ माइनस लगा दिया, सिक्स ऐसे ही रहेगा क्योंकि आर टू चला गया है। अब यहां ध्यान दे थोड़ा सा, देखिए यहां पे क्या आ रहा है माइनस सिक्स, तो यहां भी क्या बचना चाहिए माइनस सिक्स। ओके ओके तो यहां पर 18 है इसलिए क्या कॉमन लेंगे, 3 की माइनस 3, यस माइनस 3, तो माइनस 3 आप कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अभी आर टू कैसा था नेगेटिव, अब कैसा हो जाएगा यहां साइन पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव था तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और 18 में से 18 को आप क्या लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, 3 तो बाहर चला गया अंदर क्या बच गया 6। ओके वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती होगी आई थिंक सॉल्व करना, अब यहां मैं कर रहा हूं। नाउ अब देखिए क्या फैक्टर बन रहे हैं R2 माइनस 6, ये पूरा ऐसे करली ब्रेसेस लगाइए, यहां से यहां तक ये फर्स्ट टर्म है, यहां से यहां तक ये सेकंड टर्म है, R2 माइनस 6 फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी, तो R2 माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बच गया, यहां से R2 माइनस 6 चला गया, क्या बच गया R2 माइनस 3। ओके इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। नाउ अब एक बार इसको जीरो के इक्वल रखोगे, एक बार इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो R2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट R2 इज इक्वल्स टू 0, और 6 इधर चला गया तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 6 इज 6 ओम, ठीक है। ओके नाउ यहां पे कर दे रहा हूं मैं, एक बार R2 माइनस 3 को जीरो के इक्वल रखोगे तो 3 उधर चला गया, तो R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 ओम। ओके तो ध्यान दें यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वैल्यूज आते हैं 2 आपको पता है। ओके तो ये जो R2 आ रहा है ना 2, मतलब एक 6 ओम आ रहा है और एक 3 ओम आ रहा है। ओके तो यही दोनों रेजिस्टेंसेस में आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, यही आंसर है।
ठीक है, इसमें से एक फर्स्ट रेजिस्टेंस 6 ओम का है और सेकंड रेजिस्टेंस 3 ओम का। मैं आपको करके दिखा देता हूं, अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ये देखिए, जैसे कि मान लो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप R2 का वैल्यू कितना लेते हो 6 ओम, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन यहां जब आपने बनाई थी ना इक्वेशन, R1 is equals to 9 minus R2, R1 is equals to 9 minus R2, तो R1 is equals to 9 minus R2 का वैल्यू कितना 6, तो R1 कितना हो जाता है 3 ओम। तो देख रहे हो अगर R2 6 ओम है तो R1 3 ओम हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर अगर आप R2 6 ओम नहीं लेते हो, अगर आप R2 3 ओम सेलेक्ट करते हो, तो R1 कितना था 9 minus R2, तो R1 is equals to 9 minus R2 का वैल्यू 3, तो R1 कितना हो जाएगा 6 ओम। ओके, तो इसमें आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों दो रेजिस्टर है ना, एक अगर 6 का होगा तो दूसरा 3 का होगा, और अगर दूसरा 6 का है तो पहला 3 का होगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टाइप के क्वेश्चंस में जो आंसर देती होगी ना, वहीं पे आप तुरंत समझ जाइए कि दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, चाहे वो R2 की ही दो वैल्यू आई है कोई बात नहीं, उसमें से एक रजिस्टर 3 ओम का एक रजिस्टर 6 ओम का। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 वी हैड डन ऑलरेडी। नेक्स्ट 45th क्वेश्चन देखिए, अ रेजिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर रेजिस्टर ऑफ x ओम। ओके, तो 8 ओम का रेजिस्टर है एंड दिस रेजिस्टर इज कनेक्टेड पैरेलल विद द रेजिस्टर ऑफ x ओम। दूसरा रजिस्टर आपको नहीं पता है, वोल्टेज सोर्स लगाया। ओके, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी अ रजिस्टर ऑफ 8 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर रजिस्टर x ओम, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4.8 ओम। ध्यान दें, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको गिवन है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन x, और इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है वो कितना गिवन है आपको 4.8 ओम। ठीक है, तो 1 अपॉन r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सॉरी r इक्विवेलेंट की जगह कितना रखोगे आप 4.8, क्यों क्वेश्चन में दिया है दोनों का इक्विवेलेंट कितना दिया आपको 4.8। अब आप देख सकते होंगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है ना, क्योंकि एक ही तो वेरिएबल है, एक ही तो अननोन है x, और एक अननोन के लिए केवल कितनी इक्वेशन की जरूरत होती है एक की, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कर लीजिए इसको, दिस इंप्लाइज दैट 1/4.8, ये 1/8 को इधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा -1/8, और ये ऐसे ही रहेगा यहां पर। ओके, अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, आपको यहां से पॉइंट हटा दिया तो यहां जीरो बढ़ा दिया। ओके, तो 10/48 -1/8, अब आपको यहां 48 बनाना है अगर डिनोमिनेटर में, तो कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या तो एलसीएम ले लो या तो सिंपली कर लो। तो मैं 6 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 8 जा 48। देखिए, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उससे डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, या जिससे डिनोमिनेटर में करना चाहते हो उससे न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, या एलसीएम ले लीजिए, 48 48 का एलसीएम 48, 10 माइनस 6 इज 4। ओके, 4 बन जा 4 और 4 12 जा, मतलब 12 का ही जाएगा 48 आएगा, तो आप देख रहे हो 1/12 इज इक्वल्स टू 1/x। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, बोथ साइड रिवर्ट कर दीजिए इसको, तो 12 इज इक्वल्स टू 12/1 इज 12, x बाय 1 इज, तो x का वैल्यू आ गया 12, और x क्या था, रेजिस्टेंस था, तो यूनिट हो जाएगा ओम। ओके,